हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आई बल्ब की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था कि उसकी बनावट क्या है वो। आज के इस वीडियो में हम आई जो है उसका जो मेन फंक्शन है विजन देखना वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस वीडियो के अंदर हमने आई बल्ब की एनाटॉमी देखा कि सबसे इनर लेयर जो होती है वो तो रेटिना होती है, और ये रेटिना जो है वो लाइट सेंसिटिव नर्वस सेल जो होती है उससे बनी होती है रॉड एंड कॉन की। ये जो नर्व सेल होते हैं रॉड एंड कॉन, उनके जो नर्व फाइबर होते हैं एक्सॉन, ये एक्सॉन जो होते हैं वो आपस में सभी मिल जाते हैं और मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ये ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आई बॉल के अंदर मैक्युलर लुबिया जो है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे 0.5 सेंटीमीटर नीचे नेजल साइड की तरफ आई को लीव करती है। वो जहां से लीव करती है उस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। यहाँ से निकलने के बाद ये ऑप्टिक नर्व जो होती है वो ऑर्बिटल कैविटी का जो ऑप्टिक फोरामेन जो होता है उसको क्रॉस करती है, और उसको क्रॉस करने के बाद जस्ट पीछे उसके जस्ट पीछे की तरफ दोनों आई बॉल जो है उसकी ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आपस में मिलती है। दोनों नर्व फाइबर आपस में मिलती है ऑप्टिक नर्व, उसको ऑप्टिक चियाज्मा कहा जाता है। और ये ऑप्टिक चियाज्मा जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके जस्ट एबो स्प्लिनल बोन का जो हाइपोफाइसल फोसा होता है उस पर स्थित होता है। ऑप्टिक चेज्मा के अंदर नेजल साइड की जो रेटिनी जो होती है वो दोनों तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है, मतलब लेफ्ट आई जो है उसकी राइट में चली जाएगी और राइट आई जो है उसकी लेफ्ट के अंदर चली जाएगी, तो एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है। लेकिन टेम्पोरल रेटिनी जो होती है मतलब टेम्पोरल साइड की जो होती है नर्व फाइबर वो आपस में क्रॉस नहीं करती, वो सीधा पीछे की तरफ कंटिन्यूस होती है। पीछे की तरफ कंटिन्यूस जो है वो ऑप्टिक ट्रैक बनाती है। ये ऑप्टिक ट्रैक जो होता है राइट और लेफ्ट का ऑप्टिक ट्रैक जो होता है वो सेरिब्रम जो है उसके ऑक्सीपिटल लोब जो होता है उसको सप्लाई करता है। मींस एक तरह से राइट आई जो है उसका कनेक्शन राइट से भी होगा लेफ्ट से भी होगा, और लेफ्ट आई जो है उसका कनेक्शन राइट लोब से भी होगा और लेफ्ट लोब से भी होगा। इसके कारण से दोनों आई जो है उसके विजन जो होता है वो एक ही दिखाई देता है, मतलब दो आई से डबल विजन नहीं होता है। ये था ऑप्टिक नर्व। अब बात करेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ विजन, विजन कैसे होता है। तो विजन कैसे होता है कि लाइट रे जो होती है वो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है वो क्या होती है रिफ्लेक्टेड हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रे जो होती है वो आई बॉल के अंदर एंट्री करती है। आई बॉल के अंदर आयरिस होती है, उसके बीच में जो छेद होता है उसको प्यूपिल कहते हैं। ये आयरिस जो होती है उसमें जो स्मूथ मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा ये पिपिल जो होती है उसकी साइज जो होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, और उसके द्वारा ही ये पिपिल जो होती है वो लाइट रे जो है उसको कंट्रोल करती है, मतलब कितनी मात्रा में लाइट जो है वो आई बॉल के अंदर एंट्री होनी है। यदि डिम लाइट होगी तो पिपिल जो होती है वो डायलेट हो जाएगी, ब्राइट लाइट या तेज रोशनी होगी तो उसमें पिपिल जो होती है सिकुड़ जाती है। इस तरह से ये पिपिल जो होती है वो लाइट जो है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। अब लाइट रे जो है जैसे लेंस के ऊपर गिरती है तो लेंस जो होता है वो बाइकॉनवेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसके कारण से यहाँ पर क्या होता है लाइट रे जो होती है वो अलग मीडियम के अंदर प्रवेश करती है। जैसे वो अलग मीडियम में माध्यम में प्रवेश करेगी वो लाइट रे जो होती है वो क्या होती है बैंड हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। बैंड होना जो है या लेंस जो है इसका रिफ्रैक्टिव पावर जो होता है वो सिलियरी मसल्स जो होती है उसके द्वारा कंट्रोल होता है। लेंस जो है वो सिलियरी मसल्स के से अटैच होता है, ये सिलियरी मसल्स जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जिसके कारण से लेंस जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा या कम हो सकती है, और थिकनेस कम या ज़्यादा होने के कारण से इसका जो रिफ्रैक्टरी पावर जो होता है वो भी बदला जा सकता है। यदि ऑब्जेक्ट नियर है तो लेंस जो होगा वो थिक हो जाएगा जिससे फोकसिंग अच्छी से हो पाएगी, यदि ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है तो लेंस जो होगा वो थिन हो जाएगा। इस तरह से लेंस जो है वो अपनी थिकनेस को बढ़ाकर या कम करके रिफ्रैक्टरी पावर जो है उसको नियंत्रित करता है जिससे फोकसिंग होने में मदद मिले। अब होगा क्या कि लाइट जो है वो लेंस से बेंड होगी, और बेंड होने के बाद वो सीधा फोकस होगी रेटिना के ऊपर। रेटिना के जस्ट पीछे फंडस जिसको मैकुला लुबिया कहा जाता है वहां पर ये फोकसिंग होती है, ठीक है। वहां फोकस होने के कारण से लाइट रे जो है वो रेटिना के अंदर मौजूद रॉड एंड कॉन सेल जो होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं उस पर गिरेगा। उस पर सेल गिरने के कारण से ये रॉड एंड कॉन सेल के अंदर जो पिगमेंट होते हैं जिसमें रोडोप्सिन होता है और एडोप्सिन होता है कॉन के अंदर, ये पिगमेंट जो होगा वो डिग्रेड हो जाएगा मतलब टूटेगा। वो टूटने के कारण से उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो जाएंगे।
ये जो केमिकल चेंजेस होंगे उन केमिकल चेंजेस का हम के कारण से इंपल्स जो है वो जनरेट होगी, मतलब विजन की जो संवेदना है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर रॉड सेल जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट लाइट जो होती है, ब्लैक एंड व्हाइट लाइट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ ही साथ डीम लाइट जो है उसमें विजन के लिए भी रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि कॉर्न सेल जो होते हैं वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डीम लाइट के अंदर कॉर्न सेल जो होते हैं वो विजन नहीं कर पाते। इम्पल्स जनरेट होने के बाद ये इम्पल्स जो होती है वो फिर ऑप्टिक नर्व जो है वो उस इम्पल्स को कंडक्ट करेगी, ऑप्टिक नर्व उस इम्पल्स को सेरिब्रम जो है उसका ऑक्सिपिटल लोब जो है वहां पर ले जाती है, और वहां पर फिर विजन का जो प्रोसेस जो होता है वो होता है, मतलब वो इम्पल्स को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद जो भी इम्पल्स बनी है उसके हिसाब से उसका परसेप्शन होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। तो इस तरह से आई जो है उसका विजन होता है, क्योंकि विजन की फिजियोलॉजी हो जाएगी। तो ये था आई बॉल जो है उसका फंक्शन या विजन की फिजियोलॉजी। ओके, थैंक यू।